आए थे जय ऑटो रामा रोड। बिल्कुल ठीक है। तो आज N दिखा रहे Z2 वेरिएंट है और इसमें क्या कर रहा है? फॉग लाइट। ठीक है, जो सबसे नेसेसरी होती है। फॉग लाइट हो गया हमारा, ग्रिल का क्रोम हो गया, इधर हम हाइड्रो टिपिंग कर लिए। फ्रंट में मेजर जो चेंजेस होनी चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर हमने लोड कर दी। 18 इंची का लो व्हील, इसके बगैर तो गाड़ी अधूरी है, इसके बगैर तो समझो कुछ है ही नहीं गाड़ी। हमारा वाइपर भी लग गया, स्पॉइलर भी लग गया के साथ। ये देखो Z2 में क्या लगा दिया, पकड़ लिया तुम, फोगर लगा दिया, एक्टिवेटेड है प्रॉपर। एक बार वाइपर वर्किंग दिखाते हैं इसकी। देखो वाइपर चल चुका है, ग्रैब हैंडल इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर हमने। ठीक है, सन ग्लास होल्डर 150 वॉट LED के साथ 360 भी होता है। ठीक है, 360 एक्टिवेटेड है इसके अंदर। 3D मोड में देखना है, 3D भी देख सकते हो, ये देख सकते हो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड। बिल्कुल ठीक है, और आज भी दिखा रहे हैं आपको स्कॉर्पियो N Z2। ठीक है, फेवरेट हो गई क्या चामुंडा भैया? बिल्कुल फेवरेट। ठीक है, तो अब चामुंडा भैया क्लासिक को भूल के N में जा रहे जाता नहीं, अभी भी बगल में दिखाऊंगा दो क्लासिक खरीद। ठीक है, क्लासिक पे भी प्यार करते ही हैं, फेवरेट तो क्लासिक ही है आपकी। फेवरेट तो क्लासिक है। ठीक है, तो आज N दिखा रहे हैं Z2 वेरिएंट है और इसमें क्या करा हमने आज? फॉग लाइट। ठीक है, जो सबसे नेसेसरी होती है। फॉग लाइट हो गया हमारा, ग्रिल का क्रोम हो गया, इधर हम हाइड्रो टिपिंग कर लिए, नीचे सिल्वर स्किड हो गया और इसमें हेडलाइट में LED अपग्रेड किए हमने। ठीक है, तो फ्रंट में मेजर जो चेंजेस होनी चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर हमने लोड कर दी। बिल्कुल ठीक है, तो LED सेटअप इसलिए करा है क्योंकि ब्राइटनेस पर टॉप मॉडल की हेडलाइट में ब्राइटनेस बिल्कुल नहीं होता। अब इसकी LED का मैं सेटअप आपको दिखाता हूँ। और मेनली गाड़ी देखो कहाँ से आई है, महाराष्ट्र से आई है। ये देखो, ये अपना लो बीम है, ये हाई बीम है। और Z8L वाली हेडलैम्प अपनी अब तो कस्टमर मोस्टली लगवाते ही नहीं है वो वाली। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं लगवाते हम। तो हम स्टार्टिंग से N में कॉम्बिनेशन स्विच के साथ ही वर्क करते हैं। फॉग पार्किंग ऑन है हमारा, देख सकते हो। ठीक है, ये रहा फॉग लाइट, ये फॉग लाइट पूरी हेडलाइट ऑन है और फॉग लाइट ऑफ हो सकती है। और ऐसा आपको पार्किंग फंक्शन में मोड में दोगे तो नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा। लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं बाजार में, पर कॉम्बिनेशन लगाते नहीं है। जो फॉग लाइट 7,500, 8,000, 9,000 पे लगा रहे वो कभी कॉम्बिनेशन नहीं लगाते, इस चीजों पे ध्यान रखना। ठीक है, और फ्रंट से हमने सारी चीजें दिखा दी आपको ओवरऑल। ठीक है, साइड लुक से दिखाते हैं क्या चेंजेस। 18 इंची का लो व्हील, इसके बगैर तो गाड़ी अधूरी है। ठीक है, 18 इंचेस के साथ थोड़ी अच्छी लुक आ जाती है, इसके बगैर तो समझो कुछ है ही नहीं गाड़ी। 17 इंच में भी ये मजा नहीं है। ठीक है, हमारा बम्पर प्रोटेक्शन हो चुका है, ये भी ओरिजिनल है। हाँ, मड फ्लैप इनका लग के आया था, साइड का फुटरेस्ट लग गया हमारा। साइड की जो स्किड प्लेट है ये भी हुआ है। बस इसमें एक चीज का बाहर से कमी रहने वाला, टॉप मॉडल की हैंडल। ठीक है, ऑटो फोल्ड हो चुका है हमारा। तो इसकी की के साथ कोडिंग करी है, बिल्कुल कोडिंग भी करके दी हमने। देखो ये फोल्ड अनफोल्ड हो गया और साथ ही साथ की के साथ भी इस गाड़ी में हुआ है। सेंटर लॉक कोडिंग के साथ मिलेगी, वरना इसमें की घुमाने वाला होता था। ऑन काउंटर कोडिंग है। ठीक है, ऑन काउंटर कोडिंग मिलेगा। हाँ ठीक है, चाबी लेके कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं गाड़ी लेके कहीं नहीं जाना होगा। काउंटर पे आपके सामने कोडिंग होगा, ऑन काउंटर। ठीक है, और यही चाबी है, कोई लोकल चाबी नहीं, महिंद्रा की ओरिजिनल चाबी आप देख सकते हैं। और इसमें आप यही कि आपकी गाड़ी पहले पूरी खुल जाती है, फिर उसके बाद लेके जाते हैं, आधा काम हो जाता है, फिर हम लेकर भेजते हैं कोडिंग करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं, ऑन काउंटर कोडिंग हमारे पास प्रॉपर हम अपनी तरफ से करके देते हैं कोडिंग वगैरह सारी चीजें। तो लोअर गार्निश भी लगी, लोअर गार्निश रिप्लेसमेंट पार्ट हो चुका है चारों। ठीक है, फ्रंट फोर तो रिप्लेसमेंट पार्ट होते हैं। हाँ देखो, अभी पील ऑफ करा है इसका। और ये हमारा पेस्टिंग हो गया, लास्ट क्वार्टर क्लास पेस्टिंग होता है। और डिफरेंस भी देख लो, ये देखो गैप, ये थोड़ा बाहर को दिखेगा। हाँ। ये प्रॉपर पेस्टिंग है। डोर वाइजर हमारा महिंद्रा के लग के आया था, हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो हम लगाते वो स्कॉर्पियो N हाइलाइटेड होता है रेड से। ये रूफ रेल हमने फिटिंग करके दी है। ठीक है, ये रूफ रेल है बोल्ट सिस्टम वाला। बिल्कुल ठीक है, तो साइड लुक देख सकते हो आप गाड़ी का क्या लग रही है। और सेम टायर में अगर आपको एलॉय अगर लगवाने भी है 17 इंची। ठीक है, 17 इंचेस बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर बैक प्रोफाइल में भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। बैक से क्या करा आज, कुछ कमी है तो बताओ? पीछे से ढूंढो, आज कहाँ से पकड़ूँ आपको, ढूंढो कुछ कमी है तो। आज क्रोम भी लग गया, स्किड प्लेट भी लग गया, रिफ्लेक्टर भी लग गया, सेफ्टी गार्ड भी लग गया, कैमरा भी लग गया, 360 वाली इधर क्रोम भी लग गया हमारा, वाइपर भी लग गया, स्पॉइलर भी लग गया, सब चीज लग गया। वाइपर के साथ ये देखो Z2 में क्या लगा दिया, पकड़ लिया तुम। डिफॉगर लगा दिया, एक्टिवेटेड है प्रॉपर एक्टिवेटेड। ठीक है, एक्टिवेट करके दिया हमने Z2 के अंदर। बिल्कुल ठीक है, तो बैक से यार एक बैज तो लगा दो 4Explorer का, जाते हुए लगाओगे। ठीक है, और एक एड्रीनॉक्स का लास्ट में हम लगा देंगे, इधर एड्रीनॉक्स और इधर 4Explorer। बिल्कुल वो लगा के देंगे, जब इतनी काम हो गया तो अच्छी बिल्कुल लगेगा। ठीक है, एक बार अंदर से दिखाते हैं। तो चामुंडा भैया चले अंदर? बिल्कुल अंदर भी चलेंगे, अंदर भी Z8 वाली फीलिंग पूरा दूंगा मैं आपको। यार जय का भी Z8 दिखाते हो तो Z8 दिखा दिखा के इंटीरियर भी चेंज कर देते हो कभी कभार, आज कुछ कर रहे हो इंटीरियर चेंज? तो इनको पूरी Z8 वाला ही चाहिए था। तो एक बार ओवरऑल एक बार दिखाओ। तो पहले देखो पूरा डोर पैनल से स्टार्ट करेंगे, पूरा अंदर का इंटीरियर देखो। तो ये इंटीरियर अब हम दूसरी गाड़ी पे चलते हैं और अब एक बार दूसरी गाड़ी पे आ जाओ। तो चामुंडा भैया कहाँ लिया है मुझे? कुछ अलग भी करते हैं हम। देखो मतलब असली सोना यहाँ छुपा के रखा है आपने, मतलब इसका तो पूरा इंटीरियर बदल दिया। हाँ कुछ अलग, ये तो काफी अलग है उससे। देखो पीछे भी देखो, ये देखो फिटमेंट देखो। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में यही वाला इंटीरियर था बिल्कुल, है ना? ठीक है, सेम वैसी तैयार करी हुई है। हाँ, और आप कह रहे हो ना क्लासिक भूल गए, अभी भी क्लासिक देखो। ये रही अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक एस, ये दोनों वेटिंग में, ये दोनों वेटिंग में हो रही। ठीक है, और तो दिन में जा चुका है, रात को नाइट स्टे होगा गाड़ी। ठीक है, तो आज ये यहीं स्टे होगी गाड़ी, नाइट में काम नहीं, मॉर्निंग में चलेगा इसका काम। हाँ कल चलेगा। ठीक है, और काम हो चुका, कल थोड़ी बहुत फिनिशिंग करेगा गाड़ी देने में। ठीक है, तो अभी दो खड़ी हुई है यहाँ पे हमारे, एक एन खड़ी है। ये रही अपनी वापसी आते हैं और महाराष्ट्र मुंबई से आया अभी जाना गाड़ी। ठीक है चामुंडा भैया, भूल गया एक चीज, वाइपर चला के नहीं दिखाया। मैं तो सोचूंगा डमी है, तो एक बार वाइपर वर्किंग दिखाते हैं इसकी। देखो वाइपर चल चुका है, वाटर स्प्रेयर अभी चलेगा नहीं क्योंकि इसमें प्रॉपर अभी फिटिंग नहीं हो पाई। ये अभी इसमें क्या लगाया हुआ है, टेप लगाया हुआ है, टेप लगा हुआ है ना। ठीक है, ग्लास जो चेंज करा है ना, इसकी वजह से अभी टेप लगाया हुआ है। टेप लगाओ प्रॉपर तरीके से, पानी आ नहीं रहा होगा। और ऑटो कट के हिसाब से पीछे बंद होगा, ऑटो कट के फंक्शन के साथ ये अपना प्रॉपर एक ही पोजीशन। इधर हमारा टेप लगा हुआ है ना, तो इसके यहाँ से पानी निकलना कम निकल रहा है। ठीक है, तो कल टेप हट जाएगी, प्रॉपर वर्क करेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ग्लास जब चेंज करते हैं उसके बाद टेप लगाना ही पड़ता है। हाँ प्रॉपर, तो ये फूले ना। ठीक है, गैप ना कम। तो इंटीरियर दिखाते हैं एक बार, आपको वैसे ही दिखा दिया था अभी, और एक एक चीज दिखाते हैं। डोर पैनल में ट्यूटर सेस लग गया हमारा, ये पेंटेड हुआ है, इनको पेंटेड चाहिए था। ठीक है, ये पेंटेड लगा, पेंटेड हुआ और बटन ओरिजिनल है। ठीक है, अपने पियानो ब्लैक बटन्स विद ये प्लेट के साथ है। हाँ, एम्बियंस लाइट K4 सॉफ्ट टच। ठीक है, डोर पैनल से बस यही करा है। और अंदर दिखाता हूँ आपको, और नीचे आपको स्कॉर्पियो N की वेलकम लाइट मिलेगी, ये जो फ्रंट 2 में ही आती है। तो चामुंडा भैया उस साइड से आके बताएंगे क्या क्या करा हुआ है हमने। तो चामुंडा भैया आज अब तो वो चढ़ते ही नहीं हो, वो पकड़ के आप अभी सर्दी नहीं है ना। ठीक है, तो ग्रैब हैंडल इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर। हाँ, हमने, और फुटरेस्ट भी है, तो मतलब कोई ओल्ड एज पीपल होते हैं उन्हें चढ़ने में इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और सीट कवर की फिटमेंट देखो है कुछ, ये फिटमेंट आपको हमने कंपैरिजन भी दिखा रखी है Z8 के साथ। स्टीयरिंग पूरी दिखा सकते हो साइड में। उससे पहले पीछे की फिटमेंट देखते हैं, पीछे कैसी फिटमेंट करी हुई है हमने। पीछे भी सेम आपको जो फ्रंट से बैक तक एक ही फिटमेंट मिलेगी, सेम एग्जैक्ट। और नीचे आपको कारपेट दिखेगा, वो भी प्रॉपर टक इन। तो एक बार फ्रंट का व्यू दिखाते हैं, डैशबोर्ड वाला। तो डैशबोर्ड से चामुंडा भैया क्या कर रहे हो? रैपिंग हो गया, इधर रैपिंग हो गया, इधर पियानो ब्लैक। मेनली ये ब्राउन तो अपना आता ही है, तो इसके ऊपर लेदर रैप करवाया स्टिचिंग के साथ। और स्टिचिंग नहीं आता, एसी वेंट पूरा नया डाला गया, यू नया डाला गया। ठीक है, ये अपना सिल्वर नहीं आता, ये पियानो ब्लैक होता है, और एक ये भी होता है। तो इस ये वाला तो हाइड्रो टिप होगा, रिप्लेसमेंट पार्ट है। ठीक है, पूरा रिप्लेसमेंट पार्ट कर रखा है हमने, दोनों चीजें MID रिप्लेसमेंट है। ठीक है, ये 8-7L में आते हैं अपने XUV के अंदर। हाँ, ब्लैक। और ये स्क्रीन देख सकते हो। ठीक है, एक बार अंदर आके दिखाते हैं, क्या क्या चेंजेस हो रखा है। ये जो स्टिचिंग क्वालिटी आती थी, हार्ड प्लास्टिक में अपना आता नहीं था ये वाला क्वालिटी, तो इसीलिए हमने करवाया। तो इसलिए जो थ्रेड की लाइन है ना, ये लेदराइट के बाद ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सनग्लास होल्डर हो गया हमारा। ठीक है, सनग्लास होल्डर 150 वाट LED के साथ। तो चामुंडा भैया सेंटर में अब मोस्टली ये स्क्रीन तो अब टिक ही नहीं रही है, मतलब हर Z2 में चाहिए, हर भाइयों हर Z2 में। ठीक है, तो हर किसी को ये वाली स्क्रीन चाहिए, और इसके अंदर साथ ही साथ हमें YouTube वगैरह सारी चीजें मिल जाती है, कार प्ले मिल जाता है। हमारा 360 भी होता है। ठीक है, 360 एक्टिवेटेड है इसके अंदर, इसमें फ्रंट बैक राइट लेफ्ट सारे व्यूज देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और कैलिब्रेटेड है बिल्कुल। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों का व्यू देख सकते हैं हम। 3D मोड में देखना है, 3D भी देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, आसपास कौन है, ऊपर से इसमें लेन चेंज करते हैं हम, लेन चेंजिंग में भी ये दिखा देता है। जो इंडिकेटर हमने दिया, जैसे लेफ्ट का दिया तो लेफ्ट साइड का एक्टिवेट हो जाता है मिरर, राइट का करेंगे तो राइट साइड का हो जाएगा। जो प्रॉपर 360 जो वर्किंग है वो है इसके अंदर। ठीक है, और सेंटर का कॉन्सोल ये पेंटेड है। हाँ ये पेंटेड है तो टॉप मॉडल में भी नहीं आता, टॉप वेरिएंट में भी नहीं आता, लेकिन ऑप्शन अब चामुंडा भैया लेके आ चुके हैं। अगर आपको चार्जर पोर्ट चाहिए फ्रंट में तो वो भी अब यहाँ पे हम लगा करके देते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट का हम यहाँ पे सॉकेट लगा के दे सकते हैं आपको, आप इजीली चार्ज वगैरह सारी चीज कर सकते हो यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो चामुंडा भैया यही सारा काम करा है इसके अंदर हमने। ठीक है, तो यही सारा काम करा है। एम्बिएंट लाइट डोर डैम्पिंग भी है इसके अंदर। ठीक है, डोर डैम्पिंग करी, डैम्पिंग तो मोस्टली जरूरी की चीज है, बिना डैम्पिंग के तो नॉइज आता है। कुछ ऑडियो अपग्रेड करा है इसके अंदर हमने? नहीं, ऑडियो अपग्रेड नहीं करा बिल्कुल। ठीक है, साउंड सिस्टम में कुछ अपग्रेडेशन नहीं है, बट डैम्पिंग करी है हमने एक साउंड प्रूफ कैबिन करने के लिए। ठीक है, तो ओनर है अभी, उनसे एक बार फीडबैक ले लेते हैं। ओनर है भैया सामने बैठे हुए। ठीक है, तो एक बार उनसे फीडबैक लेते हैं। तो फाइनली अपनी स्कॉर्पियन का काम कंप्लीट हो गया, तो अपने साथ ओनर है, एक बार नाम जानते हैं उनका? शैलेश प्रजापति। ठीक है, आपका नाम क्या है? आयुष पटेल। और आपका? विनय प्रजापति। मेनली आप कहाँ से ट्रेवल करके आए? हम वैसे से आए। ठीक है, आपको कैसे पता लगा जय ऑटो के बारे में? जय ऑटो को हमने यूट्यूब पे देखा था। ठीक है, वीडियोस के थ्रू आपको पता लगा। जैसे वीडियोस में हम दिखाते हैं वैसे ही काम मिला आपको? हाँ, फिलहाल तो अभी मिला है। ठीक है, सारे पार्ट जेन्युइन महिंद्रा दिखाया आपको? हाँ, सब मिला। हाँ, सेटिस्फाइड है? हाँ। कि वर्थ था इतनी दूर ट्रैवल करके आना? यहाँ तक आने के लिए आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला? ऑलमोस्ट 100% लग रहा है। लग रहा भी तो लग रहा है, लग रहा है भैया, बाद में पता चलेगा जो यूज करने के बाद कैसा क्या है। हाँ, है तो प्रॉपर, मतलब 100% है। हाँ, महिंद्रा वाला पार्ट सारा लगा, प्रॉपर है सब। ठीक है, एक छोटी सी रेटिंग लेते हैं, 10 में से कितना देना चाहोगे? 10 ऑफ रेटिंग कितना दोगे? ऑलमोस्ट कंफ्यूज है भैया। 10 पकड़ के चलो। 10 नहीं, ऐसा नहीं है, कम देना चाहो दे सकते हो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है। यूसेज के बाद डिपेंड करता है, आते क्यों फिर हम मुंबई से यहाँ की बात है। नहीं, जैसे यूसेज करने के बाद आप देना चाहो नंबर तब भी दे सकते हो, वैसे अभी के लिए आपको कम करवाना है तो चामुंडा भैया के नंबर कटवा सकते हो। हमेशा बोलते रहते हैं यूट्यूब पे काटने के लिए, सबसे बड़ा दुश्मन। फुल मार्क्स मिल गए, लेकिन काटना चाहिए था, अगर काटना है, काटने का मन है। किस चीज की कमी कर दिया जो काटना चाहिए था? डिफॉगर मिल गया तभी छोड़ दिया आपको, डिफॉगर। ठीक है, तो आपके साइड से कोई भी देख रहा है रेकमेंड करेंगे आप? हाँ, अभी रहेगा तो देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चामुंडा भैया ऐसा काम कराना है, कहाँ आना पड़ेगा? जय ऑटो, रामा रोड, मोतीनगर, डीएलएफ के सामने आना होगा आपको, जहाँ पे मिल जाएगा सोनू भाई और चामुंडा भाई। ठीक है, किसी से भी मिल सकते हो और आप अपनी गाड़ी के प्रीमियम काम करवा करके जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, और स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है नंबर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल। किसी भी चीज़ के प्राइस पूछना हो, कुछ भी हो, तो आप व्हाट्सएप पे आइए और व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख करके भेजिए, उसमें प्राइस आपको। स्कॉर्पियो एन जो भी वेरिएंट है आप लिख के, कॉल पे बिजी रहते हो, जवाब नहीं दे पाते हो, तो आप व्हाट्सएप पर तुरंत आकर के उस पर जो भी रेट पूछना हो उस पर आप व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो एंड करें। बिल्कुल ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।